सो जय जगन्नाथ, विशिंग वे रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. वेलकम यू ऑल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Yeah, very good morning to all of you. Good morning, sir. Sir, history class gura ka notes ta kebe send kariye sir. नोट्स सार कोठे ना दिखे बजे नो सर गोटे सेंड कर चंदी एंसेंट हिस्ट्री रो बट ओपन भी हो नहीं सका. अच्छा ओके ठीक अछ. नो साइंस से तो कथा है कि छोड़ दो सर. रिकॉर्डिंग क्लास वीडियो सेंड कर दे दो सर. को दिन स्कूल को जल्दी जीवन ले पड़े क्लास करी हो नहीं सो प्लीज सर. रिकॉर्डिंग्स तो सब अपलोड हो जाई जीवन है ना सर. मो तरफ रु देखो मु सेंड कर दे छी बदे सर कर कोन टाइम सुविधा थिबो तो सर अपलोड करि ना दे मु सब रिकॉर्डिंग्स पठे दे छी. ओके तो सर को डायरेक्टली कोन तो सेडा सर अपलोड कर देबे. सर भी करि दियंती ओ कोन की जाननी अपलोड हो नि होते. ओके थैंक यू सर. तो ऋग्वेदिक पीरियड सरी जाता ना आमर. ऋग्वेदिक सरी लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हम. ओके Who is this? So later Vedic period. So earlier आमे कौन कौन पढ़ी सारी छु. So ancient history आमे first देखी थी लू prehistory right? देखिए 3 लाख 3.3 मिलियन इयर्स से गोरु नहीं कि 10,000 बीसी पर्यंत आम पढ़ू जो कि आम पुणी प्री हिस्ट्री रे पढ़ू कौन पेलियोलिथिक पीरियड देन मेजोलिथिक पीरियड. मेजोलिथिक पीरियड गोटे पेलियोलिथिक पीरियड रे मैंने स्टोन एज जोटी कि आपन को स्टोन टूल्स जाक देखे मिलती फायर फायर भी यूज देखा मिलती. तो ये सब जिन धीरे धीरे लोक मैंने शिखुले जिन जानते एंड धीरे धीरे डेवलप होबार स्टार्ट होता. देन कम्स टू मेजोलिथिक पीरियड राइट. तो मेजोलिथिक पीरियड में मेजर जिनस कौन देखा मिलला एग्रीकल्चर नहीं डोमेस्टिकेशन सॉरी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करियार स्टार्ट. देन कम्स आवर नियोलिथिक पीरियड. नियोलिथिक पीरियड कौन देखा मिले कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हे. ओके तो लोक मैंने सेटल्ड लाइफ स्टार्ट करेंगे. ओके सेटल होगा स्टार्ट करेंगे एंड से माने निजर घर द्वार पोटेरी फॉर स्टोरेज करने पोटेरी मेकिंग स्टार्ट हे. तो गोटे रिवल्यूशन देखा मिले इन द न्यूलिथिक पीरियड जोड़ी कि लोक मैंने जोड़ा हंटिंग एंड गैदरिंग जो जिनस चलता से जिनस सिफ्ट होके गोटे एग्रीकल्चर करी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करी निजे गोटे स्थायी जगार गोटे सेटल होके निजर काम को स्टार्ट करते न्यूलिथिक पीरियड. देन न्यूलिथिक पर आम देख लु चालकोलिथिक एज. चालकोलिथिक एज रे आम चालकोलिथिक रही पार्ट हो इंदस वैली सिविलाइजेशन जो कि आम देखल एंड दिस वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इंदस वैली सिविलाइजेशन.
ଯେଉଁଟା କି 1700 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିବ। 1700 BC ତାପରେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭେଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭେଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ 1700 BC ପରେ ତାପରେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭେଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଦେନ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ 1500 BC ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ 1500 BC 1000 BC 1000 BC ଯାଏଁ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଲା ରିଗ୍ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଓକେ ଅର୍ ଅର୍ଲି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ସୋ ଅର୍ଲି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଅର୍ ରିଗ୍ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ସିମ୍ପଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଇକୋନୋମି ପଲିଟି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବଟ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ଲି ରିଗ୍ ବେଦ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ସ ଆକୁ ରିଗ୍ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ବି କୁହାଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ସେସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ବଟ୍ 1000 BC କ'ଣ ହେଲା 1000 BC ଆଇରନ୍ର ଡିସ୍କଭରି ହେଲା ଆଇରନ୍ ଡିସ୍କଭର ହେଲା ଆଣ୍ଡ ନାଓ ସୋସାଇଟି ବିଙ୍ଗ ଗେଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓକେ ସୋ ସୋସାଇଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର୍ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଓକେ ତ ଲେଟର୍ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟାକି 1000 to 600 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କନ୍ସିଡ଼ର କରିପାରିବା ନାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିଟା ଟିକେ ମନେ ରହୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ନୋଟ୍ସଟା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ସୋ ସେତିକି ଚଳିବ ଓକେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଡେଟ୍ ତ କେବେ ଆସିନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବଟ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି କେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଓକେ ସୋ ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଡିସନ୍ସ ଦରକାର ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଆଜିଠୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ସୋ 1000 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏଇଟା ଯାହା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଜ୍ ଯାକ ଅଛି ବା ଡେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମିତି କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା କି 1000 BC ପର୍ଟିକୁଲାର ଇ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ଆଇରନ୍ର ଡିସ୍କଭରି ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏ ଡେଟ୍ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଲେଟର୍ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ତ ସେଇଟା କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଏତେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓକେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଡିସନ୍ସରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଣ୍ଡ ଦେଖ NCERT ବହିଯାକ କେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା ଆରାଉଣ୍ଡ 1986 ନେଇକି 2006 ଏରିଆ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏବେର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ 2024 NCERTକୁ ଏବେ ରିଭାଇଜ୍ ଯଦି କରାହେବ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ NCERTର ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯାକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିକନସିଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିଚେକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଡାଟ୍ସ ୱାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି NCERTର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଯାକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯାକ ଟିକେ ଭୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କରାହେଇନି ଭୁଲ ତ ନାହିଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଆଜି ବି କିଛି ନା କିଛି ଡିସ୍କଭରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେଉଁକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆଗରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନ୍ସିଡ଼ର କରୁନଥିଲୁ ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଓଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ଲି ପଢ଼ୁଛୁ ଏବେ ବି ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଗୋଟେ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲୁ କି ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦେନ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ବଟ୍ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଓଲିଥିକ୍ର ଫିଚର୍ ଯାକ ଗୋଟେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ଏବେ ଅଲଗା ବି ପଢ଼ୁଛୁ ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏବେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ତ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ ଇମାଜିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଆଜିରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜିନିଷମାନେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଏଜ୍ ଯାକ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯାକ ଦେଉଛୁ ଓକେ ସୋ ଆଫ୍ଟର୍ ରିଗ୍ ବେଦ ଓକେ ରିଗ୍ ବେଦକୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିଲା ପରେ ଓକେ ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ବେଦ ବି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା ଇନ୍ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ସ ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଟର୍ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆକୁ PGW ପିରିୟଡ଼ ବି କହନ୍ତି PGW ପିରିୟଡ଼ ବିକଜ୍ PGW ସାଇଟ୍ସ ଯାକ ମିଳିଛି
PGW कौन पेंटेड ग्रे वेयर पेंटेड ग्रे वेयर तो मेनली आयरन एज रही कल्चर को पेंटेड ग्रे वे कल्चर भी कहती बिकज PGW साइट्स PGW पोटेरी मिले हमको ओके सो ये सब जिन एक्चुअली देखा पड़ी एंड वेरी बहुत गुड़ाए ट्राइब्स जाक ये देखा पड़ो जमी कुरु पांचाल वसस उसीनारस तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स मैंने देखा मिलूँ सो अर्लीयर आम जो ऋग्वेदिक पीरियड को जमी पढ़िलु कि फास्ट जियोग्राफी तार कौन देन पॉलिटी कौन देन एडमिनिस्ट्रेशन कौन ये सब जिनस को ये भी आम पढ़ा सो ये जो लेटर वैदिक पीरियड को आम एक्सट्रा वैदिक पीरियड को कौन पे एक्सट्रा काढ़ीचु बिकज अर्ली वैदिक पीरियड रो सोसाइटी पॉलिटी इकोनॉमी रिलीजन एस्पेक्ट यहाँ सब अलग थिला एज कंपेरिजन टू लेटर वैदिक पीरियड एंड जिते बड़े भी गोटे एक्सट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस जाक पलैस इन द पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी जिनसे देन ताको गोटे एक्सट्रा सेपरेट करके आमको पढ़ाक पड़ो ओके सो दैट्स व्हाई या वैदिक पीरियड रे पुणी आम वैदिक पीरियड को दुईटा भाग करके पढ़ु अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड तो लेटर वैदिक पीरियड रो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कौन थिला सेटा को ठीक देखिया तो ऑब्वियसली लेटर अर्ली वैदिक पीरियड रो बड़ सिविल माने ठीके बहुत बड़ एरिया माने लोक माने माइग्रेशन करी की यार छाड़े जाइए ईस्ट वार्ड को ठीके पड़े आसे जोड़ा कि नॉर्थ वेस्ट रे कंसंट्रेट होगी थे जोड़ा कि इंदस नदी पाखे सो इंदस नदी से माइग्रेशन होवार स्टार्ट करले माइग्रेशन करी ईस्ट वार्ड को आसिले साउथ वार्ड को गले तो धीरे धीरे इंडिया रो अलग अलग जगह को से माने ईस्टर्न पार्ट आर्यंस माने जो थिले जोड़ा कि वेस्टर्न रे तो ईस्टर्न पार्ट को माइग्रेशन करियार स्टार्ट करले बंगाल वाला रीजन जाए से माने गले कुरु पांचाल वाला रीजन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ओके गंगा वैली जोटा कि आम कौच से देखा पड़ी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स रे ही मेनली आम बड़ साम्राज्य जार हस्तिनापुर कैपिटल करी से माने सीटी तांकर हस्तिनापुर कैपिटल करी रूल करुले कुरु एंड पांचाल वाला सब ये मैंने एंड ईस्ट रे बहुत गुड़ा सब ट्राइबल किंगडम मैंने पड़े अंग मगध वंग धीरे धीरे कौशल भी डेवलप हे तो ये सब जिनस डेवलप होगा स्टार्ट ईस्टर्न साइड रे ओके कुरुस तो कुरु विषय में कही थी जो भरता एंड पुरु ट्राइब को मिसिकी कुरु ट्राइब होता ओके एंड से माने सरस्वती एंड दृष्टवती नदी मझीरे रोते तो मेनली सरस्वती वाला जो एरिया दृष्टवती वाला एरिया कुरुक्षेत्र वाला एरिया ये सब एरिया भी मेंशन कराई जोटी के माने थिले तापरे मध्य देश माने सेंट्रल इंडिया मध्य देश सेंट्रल इंडिया माने मध्य प्रदेश वाला एरिया ओके देन साउथर्न एरिया रे भी माइग्रेशन करिवे ताकु आमे दक्षिण पथ भी कहू दक्षिण पथ जोड़ा कि साउथ इंडिया को जीवा रास्ता ओके तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट एरिया रे से माने माने पूरा ऑल ओवर इंडिया रे स्प्रेड होगले आर्यंस माने सो जियोग्राफिकली इफ यू सी तो बहुत बड़ा एरिया रे लेटर वैदिक पीरियड एक्सपांड कला ओके नाउ कम्स टू द पॉलिटी वाला पार्ट व्हाट वाज द पॉलिटी एट द टाइम सो ऋग्वेद रे ट्राइबल असेंबली जाक होता सभा समिति विधाता ओके तो यही सब असेंबली जाक जो होता सीटा धीरे धीरे कमीगला ओके एंड तार पावर भी कमीगला एंड अर्लीयर ऋग्वेदिक पीरियड में कौन कही जन वाज देर जन कम्युनिटी या कि किंगशिप बेस्ट जन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू जनपद अबे लेटर वैदिक पीरियड रे जन अबे जन ना जन कौन हो गला जनपद हो गला जनपद माने इटा एक्चुअली लिनिएज को नहीं थिला किंगशिप को नहीं थिला बट जनपद इज नाउ टेरिटोरियल यूनिट जिनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जाक हो
तो सेमती गोटे टेरिटोरियल यूनिट को आम जनपद कौच बट अर्लीयर आम गोटे कॉमन लोक मान समुदाय को कौल जन ओके सो इट इज अ टेरिटोरी एंड जनपद जनपद गेटिंग स्टार्टेड इन दिस पीरियड ओके एंड जो किंग थिले किंग अर्लीयर वाज वेरी सिंपल ट्राइबल हेड को किंग कह जाऊला अर्लीयर बट एबे द किंग किंग को एबे कौन कह जाऊ राजना किंग इज नाउ बेकिंग वेरी इंपोर्टेंट किंग को नुआ टाइटल दिया हूँ राजा एक राट राजा सम्राट राजा सम्राज डिफरेंट डिफरेंट बड़ बड़ एवं राजा मैंने निज्को टाइटल्स दूसरे लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ आई एम द सोलो रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड तो ये सब राजा मैंने निज्को बड़ बड़ टाइटल देवार स्टार्ट कले एंड लीनेज भी हेरिडिटरी राजा एंड किंग एकला रूल करिवे नहीं ओके तांकर उडे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक थिबे जी की हेल्प करिवे किंग को एडवाइस देवा पई ओके सो दी एडवाइस मेनली के दूतला ब्राह्मिन्स माने मेनली प्रेस्टली क्लास माने ओके तांकर कमांडर जे थिबो कमांडर इन चीफ जे थिबे सेनापति सेनापति भी तांकू एडवाइस दूथले तापर तांकर राणी माने माने बहुत गुडा राणी बहुत गुडा राणी रो जो चीफ चीफ क्वीन चीफ राणी से मैंने एक्चुअली टी असिस्टेंस मैंने प्रोवाइड करुले किंग को सो से हिसाब से किंग रिनस एक्चुअली चलूला ओके एंड लोकल मैटर तो सीटा लोकल जिनस जाक विलेज टू विलेज एक्चुअली विलेज रड़ बड़ लोक मैंने करुले ओके एंड आगे जो युद्ध लड़ा होता तो दैट इज फॉर काओ काओ पर युद्ध लड़ा होता बिकज डोमेस्टिकेशन अधिक चलता से टाइम बट एबे युद्ध एवं वार जो हूँ बिकज ऑफ एरिया एरिया को लेकिन एवं वार करा हो ओके टेरिटोरियल यूनिट को जितने एवं वार करा हो तो वार गेटिंग इम्पोर्टेंट तो वार जदि हो मैंने आर्मी पलि आसला स्ट्रंग एंड स्टैंडिंग आर्मी आगे ना एवं निजे आर्मी को रिक्रुटमेंट कराहब पैसा दिहबर तक ट्रेनिंग दिहब एंड गोटे प्रति मैंने सीजनल एक्टिविटी ना प्रति वर्ष प्रति समय पर इंडियन नेवी अच्छे इंडियन आर्मी अच्छी ओके तो से हिसाब से भी गोटे आर्मी से मैंने सेटअप कले इन दिस लेटर वेदिक पीरियड एंड जो राजा मैंने थे से मैंने बहुत प्रकार यज्ञ करूबे मेनली यू नो अश्वेद यज्ञ वाजपेय यज्ञ राजसूय यज्ञ तो अर्ली वैदिक पीरियड अर्ली जो राजा महाराजा जो थे कौन है क्या असुविधा है सिलू सो राजा महाराजा मैंने भी अश्वमेध यज्ञ करिया स्टार्ट कले अश्वमेध यज्ञ यू नो कि गोटे घोड़ा को छड़ा हे एंड सी घोड़ार घोड़ा रे लिखा ही कि जे ये घोड़ा को जदि रखी रखी हेले ताकू युद्ध करिया को पड़ियो एंड अदरवाइज जदि सी घोड़ा पास करी गला तो सी एरिया तार रहिबे माने जे घोड़ा जे ये यज्ञ करौची से तार घोड़ा सी जो जो एरिया रे सी घोड़ा जाइके आसिबो सेतिकी एरिया तांकर हेजिबो तो सेमती अश्वमेध यज्ञ करूँ राजसूय यज्ञ वाजपेय यज्ञ ये बड़ बड़ यज्ञ बहुत बड़ बड़ रिचुअल्स एंड ताप बहुत बड़ बड़ पंडित दरकार एंड बहुत दिन भी लगुला ये सब यज्ञ करने तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ जाक कर स्टार्ट होगा ओके एंड सेक्रिफाइसेस भी कहते यज्ञ को ये सब सेक्रिफाइसेस जाक स्टार्ट होगा नाउ कम्स टू सोसाइटी तो सोसाइटी जो अर्लीयर विच वाज जस्ट सिंपल सोसाइटी नाउ द वर्ण सिस्टम स्टार्टेड वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र पीपल्स मानक कर्म को लेकिन एक्चुअली डिवाइड करागला ओके तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र तो हिसाब से टिपिकली सोसाइटी को डिवाइड करागला जाति सिस्टम स्टार्ट होगा जाति सिस्टम ओके एजुकेशन प्राय खाली जो ब्राह्मिन्स माने जो थिले बड़ बड़ ब्राह्मिन्स मान वाइफ माने जी थिले एंड गौ माने जी ही गले गाई मान इम्पोर्टेंट स्टेटस रहिला गौ को माता बोली कहगला ओके सो ये सब जिनस स्टार्ट होगा
ଆଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରିୟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରିୟସ୍ ମାନେ ମେନଲି ତାଙ୍କେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ରାଜା ଯିଏ ହେବ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ କ୍ଷେତ୍ରି ଥିବ ସିଏ ହିଁ ରାଜା ହୋଇପାରିବ, ତା ପାଖରେ ସବୁ ସେ ଡିଭାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ହୋଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ସ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ, ୟଜ୍ଞସ୍ ବଗେରା କରିବେ, ଓକେ ଆଉ ପ୍ରେୟର୍ସ ମାନେ କରିବେ, ଏଇସବୁ ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ସ ମାନଙ୍କର କାମ ଥିବ। ଆଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରିୟସ୍ ମାନଙ୍କର କାମ ଥିବ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ୱାରିୟର୍ କ୍ଲାସ୍, ଓକେ ଆର୍ମିର ମେନଲି ଜିନିଷ ଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଶୂଦ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ବୈଶ୍ୟସ୍ ତାପରେ ଏମାନେ ସେବା କରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇଗଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପେଷ୍ଟୋରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ବାକି ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବେ ଶୂଦ୍ରସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଓକେ ତ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଚାରି ଆଶ୍ରମ କ'ଣ କି 25 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେରି ଗୁଡ଼। ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏବେ ବି କୁହାଯାଉଛି କି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା କଥା। ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବା କଥା, ଯିଏକି ଗୁରୁକୁଲରେ ଯାଇକି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ବାସ କରିକି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିକି ତାପରେ ଏଜୁକେସନ୍ ନିଆ ହେବ, ତ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପାଳନ କରାହେବ। ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେରି, ଓକେ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ଟ୍ରେଡିସନ୍। ସୋ ଗୃହସ୍ଥ ମେଲି 25ରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଗୃହସ୍ଥକୁ ପାର କରିକି ତାପରେ ଏବେ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ବାନପ୍ରସ୍ଥବାଲା ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ର ସବୁ ପାଳନ କଲାପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାକ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାପରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୋଇଯିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିବେ। ଭେରି ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସବିତା, ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ ନା କ'ଣ? ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ନାଓ ଲିସନ୍, ସୋ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ତାପରେ ସେଇଠି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରାହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରାଯିବ ନିଜକୁ, ଆଣ୍ଡ ଏକର୍ଡ଼ିଂଲି ତାପରେ ଜୀବନଯାପନ ହେବ। ତ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା 50ରୁ 75 ଏପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ସବୁ କୁହା ହେଉଛି, ଓକେ ସେମିତି କନ୍ସିଡ଼ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣଙ୍କର 75ରୁ 100 ଇୟର୍ସ। ତ ଏମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ଓକେ ଚାରି ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, କ'ଣ ୱର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେଇଟା? ଚଣ୍ଡାଳବାଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମେନ୍ଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଫ୍ଥ ୱର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକି ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିକଜ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା କି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନ୍ଟଚେବଲ୍ କୁହାଗଲା କି ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼୍, ଯେମିତିକି ଲୋୟର୍ କାଷ୍ଟର ଲୋକ ଯଦି ଅପର୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ ସହିତ ବାହା ହେଇଛି, ତ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତା'ର ବି ଯାହା ବି ସନ୍ତାନ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଚଣ୍ଡାଳ କୁହାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନ୍ଟଚେବଲ୍ ବି କୁହାଗଲା, ଅନ୍ଟଚେବଲ୍। ଆଣ୍ଡ ସେ ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟିର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ଯାଇ ବି ଚାଲି ଆସିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏରିଆରେ। ଆଣ୍ଡ ମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ସବୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ସୋସାଇଟିରେ ୱିମେନ୍ସ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ତାପରେ ଡିଗ୍ରେଡ଼ ହୋଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ୱିମେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଲିଅର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଗୁଡ଼, ବଟ୍ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ କିଛି ବି ମିଟିଂସରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ରିଚୁଆଲ୍ସରେ। ଓକେ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ଲି ପେଟ୍ରିଆରିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଗେଟିଂ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦେର୍ ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍। ଆଣ୍ଡ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତୀ ପ୍ରଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା,
ओके एंड झीओ पिला कनसीडर करागला कि दे आर द सोर्स ऑफ सोरो ताके होचंती गुटे अभिशाप जदी गुटे घरे हो जाउचंती तो सेरा गुटे अभिशाप बट जहाँ भी हो जाऊ से टाइम रे भी डिस्पाइट हैविंग मच डिफिकल्टी इन देयर लाइफ ऑफ वेमेन्स किसी वेमेन्स मैंने थी जमती कि गार्गी मैत्रीय गार्गी एंड मैत्रीय एमती पर्सनालीटी जे कि नॉल बहुत निज को एजुकेट कले नॉलेज गेन कले एंड तांके फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स रे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे एंड दैट्स व्हाई तांके तांकर ना अच्छे कि डिस्पाइट हैविंग मच लिमिटेशंस मच प्रॉब्लम्स मच चैलेंजेस इन द लाइफ तांके वेल एजुकेशन ग्रहण करी निज को शोकेस कर पारे निज को गोटे एग्जांपल सेटअप कर पारे कि जहाँ भी सिचुएशन था तो एबे भी एक्चुअली आम कहीपर कि झील पिला कि आपणकर जहाँ भी सिचुएशन अच्छी जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी से सब जिनस को गोटे सैड रखिकी जमी गार्गी एंड मैत्रीय निज को एजुकेट कले एंड फिलोसॉफी रे से टाइम रे समस्त को कम्पीट करकी निज को आग को नहीं आसे एंड तक विषय संहिता जाक भी लिखाई तो ये सब जिन भी एक्चुअली एबे भी निज को एजुकेट करकी एजुकेट करकी एजुकेशन को ग्रहण करकी आपण भी गोटे बहुत भल जिन करेंगे जोटि कि आउ जिते भी आपन को रेस्ट्रिक्शन अच्छे से रेस्ट्रिक्शन को पार भी करेंगे कौन है चुचुस्मिता हाँ सी रॉयल परिवार थिले बट नॉट गेटिंग रॉयल परिवार लोक मन को भी एत अपॉर्चुनिटी मिलू नाला ओके लिमिटेशन थिला से मन को भी एत परमिशन दिया हूँ नाला कि से माने सब जिनस करूँ बट से माने करी थिले ओके आज्ञा सर एंड द फैमिली रो स्ट्रक्चर थिला दैट इज हायरार्कियल स्ट्रक्चर जोटि कि सब बेले गोटे मेल पर्सन ही वाज बिकमिंग द हेड एंड पॉलीगामी स्टार्टेड माने गोटे पुरुष मोर देन वन वाइफ ग्रहण करके ओके तो पॉलीगामी भी स्टार्ट होगा दैट मीन्स कौन कि वेमेन्स मान कंडीशन धीरे धीरे डिग्रेड होबार स्टार्ट होगा ओके डिग्रेड होबार स्टार्ट होगा एंड गोत्र सिस्टम भी ओके समस्ते जो पचारती मंदिर तुम गोत्र कौन तो गोत्र सिस्टम जो आईडिया ऑफ गोत्र सिस्टम से लेटर वेदिक पीरियड रु स्टार्ट होता गोत्र माने कौन कि काउपेन द लिटरल मीनिंग ऑफ गोत्र इज काउपेन माने गोटे सेम ग्रुप माने गोत्र माने कौन कि गोटे पर्सनालीटर सबू संतान सो गोटे गोत्र गोटे जदि गोटे फैमिली कहार भी गोत्र जदि सेम अच्छे दैट मीन्स दे ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर्स दे आर फ्रॉम ए कॉमन एनसेस्टर्स ओके एंड सेम गोत्र लोक सेम गोत्र लोक मैंने को बाहा केवनी से मैंने इंटर मैरेज करें बिकज दे वेर कनसीडर ब्रदर एंड सिस्टर एंड मैरेज सीटापी बिटवीन द सेम गोत्र वेर प्रोहिबिटेड ओके एंड जदि सेम गोत्र तुम बाहा हो जाऊ तो आपण को गोटे पनिशमेंट भी दिया होता ओके हार्श पनिशमेंट भी दिया होता तो यही हिसाब से एक्चुअली सोसाइटी चलता ना कम्स टू द इकोनॉमी सो सिंपल इकोनॉमी जो अर्लियर द ऋग वैदिक पीरियड जब देखिए तो काओ एंड कैटल बेस्ड इकोनॉमी वाज प्रिवेलिंग एट द टाइम बट एबे जो इकोनॉमी रे एग्रीकल्चर बहुत माने डेवलप हेबो आयरन रो फ्लो पळे आसीबो एग्रीकल्चर गेटिंग वेल डेवलप लेकिन प्रिमिटिव टूल्स जाक यूज करथले आयरन रो भी किछि किछि हमकु प्लॉगिंग प्लोसेर जाक देखिया मिल जाउची हळ हळ जाक बट वुडन हळ जाक बेसी पॉपुलर थिला से टाइम रे वुडन प्लो को अधिक यूज कर जाउथला एग्रीकल्चर रे आपन को राइस वीट ओके बार्ली ये सब बहुत परिमाण में प्राय देखा मिलता स्टेपल फूड रे ओके बार्ली को से टाइम रे यावा कहते हैं यावा यावा राइस को कहते हैं व्रीही व्रीही एंड वीट को कहते हैं
अच्छा बार्ली को जवाब कर उठला जो वीट अच्छे वीट को कहा जाऊला गोधूम ओके तो दीजार था प्राइमरी एग्रीकल्चरल जिनस जाक जोटा कर प्लस मिक्सड फार्मिंग भी करूँ से माने बुलक कार्ट्स जाक देखा मिले कौन कहले वीट को गोधूम कह जाऊला गोधूम एंड एग्रीकल्चर सहित से माने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी करूथले ओके एंड मेनली तांकर जो एक्सचेंज सिस्टम थिला टोटा टो बार्टर सिस्टम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कि तुम मते आलू दियो मु तुमको टमाटर देबी तो सी हिसाब रे सिस्टम जाको एक्चुअली चलथला बार्टर सिस्टम देखे मिल जाउची बट सी बार्टर सिस्टम रे गुटे कॉइन यूज होतला ओके गोल्ड किंबा सिल्वर रो ऑर्नामेंट यूज होतला ताकू एक्चुअली कह जाऊला निस्का 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 इज वन काइंड ऑफ ए ऑर्नामेंट गोल्ड किंबा सिल्वर रो ऑर्नामेंट एंड ये ऑर्नामेंट को भी टिके यूज करके जिनस जाक किणा बिका भी चलता ओके तो बार्टर सिस्टम प्लस निस्का गोल्ड रो और बा सिल्वर रो गोटे ऑर्नामेंट भी बार्टर सिस्टम रे यूज होता ओके एंड सी टाइम रे श्रेणी इंपोर्टेंट होता श्रेणी गिल्ड श्रेणी माने कौन इज इट इज ए एसोसिएशन जी एवं ट्रेड यूनियन हो ट्रेड यूनियंस वर्कर्स मानकर यूनियन तो सेतेबेले भी गुटे ट्रेडर्स मानकर एसोसिएशन किंबा मर्चेंट्स मानकर एसोसिएशन बा आर्टिस्ट मानकर एसोसिएशन ये सब को श्रेणी रे रखाला एंड दैट श्रेणी मेरे जिंति कि एबरे मर्चेंट्स मानकर गुटे एसोसिएशन तो बहुत गुडे मर्चेंट्स अछंती तो सी मर्चेंट्स मानकर गुटे हेड थिबो ओके एंड सी हेड को एक्चुअली कोन कोआ दउतला श्रेष्ठी ओके श्रेष्ठी श्रेणी श्रेणी हेड किए थिला श्रेष्ठी ओके एंड नाउ टैक्सेशन सिस्टम भी स्टार्ट हो गला टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हो गला मेनली वैश्यस मान को कहा जाता कि तुम्हें टैक्स दियो ओके एंड टैक्स कलेक्शन एक्चुअली होता एंड जो टैक्स कलेक्टर जे कि टैक्स कलेक्ट करिवो ताको कहा जाता संग्रहित्री 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 जे कि टैक्स कलेक्शन करूला टैक्स कलेक्ट करिवो ओके एंड वैश्यस मान को मैंडेटरी थिला कि तुम्हें टैक्स देव ही देव बिकज से ट्रेडिंग एक्टिविटी अधिक करूँ तो ये टाइप ऑफ जिनस जाक एक्चुअली अच्छे कॉइन्स रो एविडेंस मिलू ना हमको ये टाइम पीरियड रे कॉइन्स रो बट निस्का बाजे ऑर्नामेंट दैट इज नॉट ए कॉइन ओके निस्का बाजे ना ऑर्नामेंट ओके तो ये सब जिनस एक्चुअली हो जाता नाउ कम्स टू द रिलीजन व्हाट इज द रिलीजन ऑफ दिस पीरियड रिलीजियस ट्रेंड जदि देखिबे तो मेनली आगे कौन थी ऋग्वेदिक पीरियड से मैंने इंद्रदेव अग्निदेव वरुणदेव ओके नेचुरल फोर्सेस को अधिक पूजा करते अर्लीयर इन द ऋग्वेदिक पीरियड बट एबे एक्चुअली स्टेट मैंने एबे प्रजापति को अधिक पूजा कर प्रजापति कौन कहले ना तुम आवाज गुणगुण गुणगुण आस क्लीयर आस त्रिदेव कनसेप्ट हाँ प्रजापति प्रजापति को क्रिएटर बोली ओके देन विष्णु द प्रोटेक्टर द प्रिजर्वर देन रुद्र रुद्र द गॉड ऑफ रिचुअल्स रुद्रदेव तो मूर्ति पूजा स्टार्ट होगा आइडियल पूजा मूर्ति पूजा एक्चुअली स्टार्ट हो टाइम पीरियड रु एंड विष्णु भगवान बहुत गुड़े अवतार भी मेनसन कराई सी अवतार मान विषय भी पूजा एक्चुअली होता एनिमल सैक्रिफाइस स्टार्ट होगा एनिमल सैक्रिफाइस
रिचुअल्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स जाक स्टार्ट होगा। ओके तो मुझे आपन को जो राजा महाराजा मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञस करूँगे तो ये सब यज्ञस जाकर रिचुअल्स जाक इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स विच वाज डन बाय अ वेरी हाई क्वालिफाइड ब्राह्मण हाई क्वालिफाइड प्रिस्ट से मैंने करूँ मेनली इवेन साउथ रे भी जदि किसी जदि होता राजा महाराजा मैंने किसी यज्ञ जदि करने चेस्टा करुले जो एम्पीरियल चलास फलास तो से मैंने एक्चुअली आमर जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स रू नॉर्थ वाला साइड रू ब्राह्मीण मानक नहीं कि आसुले एंड साउथ रे भी जाकि पूजा अर्चना करूँ सो एमती ब्राह्मीण मानक स्टेटस बहुत बढ़ीगला से ब्राह्मीण एंड क्षेत्रियस ये दुईजन स्टेटस एत बढ़ीगला कि लास्ट जो आउ बाकी जो क्लास थे से मैंने निजक भाविले एलिनेट निजक फिल कले निजक गोटे आइसोलेटेड फिल कले इवेन एट लास्ट एक्चुअली क्षेत्रियस मैंने भी चैलेंज कले ब्राह्मीण्स मानक वाय बिकज ब्राह्मीण्स मानक पोजिशन बहुत बढ़ीगले बहुत तो किसीटा क्षेत्रियस मैंने भी एक्चुअली प्रोटेस्ट करे एंड ब्राह्मीण्स मानक जो सुप्रीमेसी बट डोमिनेंसी कटअप करने गोटे नुआ रास्ता एक्चुअली तैयारी करेंगे जोटा कि आम लेटर अन् बुद्धिजिम एंड जैनिजिम जो आसवे बुद्ध एंड जैन दे वेर आल्सो क्षेत्रीय लिनेज को देखिए बट सी से माने भी गोटे नुआ रास्ता गोटे एस्टाब्लीश करने चेस्टा करेंगे एंड सी रास्त समस्त को चलने इन्स्पायर भी करेंगे तो डाट्स बिकज वाय बिकज अफ दिस् ब्राह्मीण सुप्रेमेसी ब्राह्मीण्स मानक जो एत दर्जा बढ़ीगला तो यही सब जिनस लगे ओके एंड जो इष्ट देवता प्रति घरे घरे गोटे इष्ट देवता रहा समस्त गोटे निजर गोटे अलग भगवान गोटे रहा तो सी भगवान वाला कनसेप्ट भी एक्चुअली स्टार्ट होगा सब घरे निजर इष्ट देव एक्चुअली थे एंड मेनली जो कैटल्स लेटर अन् बुद्धिजिम किसी समय बुद्धिजिम जो सरीज बुद्ध पलैबे बुद्ध गलापर जो आपणकर बुद्धिस्ट काउनसिल जाक हो बुद्धिस्ट काउनसिल पर बुद्धिस्ट बहुत गुड़े डिजन जाक आसव सब डिजन हो गला लास्ट बुद्धिजिम डिक्लाइन होगा जीवन कौन पर डिक्लाइन होगा जीवन से गोटे क्वेश्चन आसो कि वाई बुद्धिजिम गेटिंग डिक्लाइन तो से एक्चुअली हिंदुइजिम अधिक स्टार्ट हो भक्ति मुवमेंट एंड हिंदुइजिम तो भक्ति मुवमेंट एंड हिंदुइजिम एत स्टार्ट हो जे से मैंने हिंदुइजिम वाला मैंने कनसीडर करेंगे कि बुद्ध एज द इनकारनेसन अफ लॉर्ड विष्णु तो जितेबाद लोक मैंने कनविन्स हो जाए ये जिनस कि बुद्ध देवजी थे विष्णु भगवान ही अवतार तो बुद्धंर एवं डोमिनेन्सी कमीगला दे विष्णु भगवान को ही मेनली पूजा करा स्टार्ट है एंड हिंदुइजिम वाला जो थे आ बुद्धिजिम को कन्वर्ट न होगी से हिंदुइजिम को ही कनसीडर करके चलें रियल कहानी कौन सीटा किए जानना ओके बट एज ए जेनेली एम सोर्सेज जाक जो मिलूँ एमती प्रतीत होमती लगुच हिस्ट्री पढ़ला बेलू एम कौ ओके एडा शूद्र से टाइम शूद्र मैंने मेनली गाई मानक अधिक पूजा करटेल्स मानक एंड कैटल्स मानक देवता को पुसानस भी कहुए पुसान तो शूद्रस मैंने पुषाण जो देवता थिले ओके तो पुषाण वाज द गॉड ऑफ कैटल एंड पुषाण को किए पूजा करूला शूद्रस मैंने ओके एंड से दान दक्षिणा ये सब बेस स्टार्ट होगा लोक मैंने दान दक्षिणा कर स्टार्ट कले एंड एमती एक्चुअली जिनस चलला टाइम रे लिटरेचर जाक कौन कौन डेवलप है ये टाइम में टोटल मानने वैदिक लिटरेचर विषय देखा वैदिक लिटरेचर वेरी वेरी रेकॉर्डिंग तो हो आउ थे क्लास करेगी वैदिक लिटरेचर
वैदिक लिटरेचर विषय देखिया माने मेनली कौन कौन लिटरेचर जाक थिला ओके तो मेनली वैदिक जो वर्ड अच्छी दैट कम्स फ्रॉम वर्ड वेद वेद एंड वेद रा रूट वर्ड होची विद रूट वर्ड एंड दैट इज मीन विद रा मीनिंग होची सुपीरियर नॉलेज सुपीरियर नॉलेज एंड मेनली से टाइम रे चारिटा वेद ई पूरा वैदिक पीरियड रे चारिटा वेद डेवलप हे छे ओके कौन कौन सो दैट इज फर्स्ट ऋग्वेद ओके तो ऋग्वेद जो अच्छी ताकू ओल्डेस्ट माने सर्वाइविंग टेक्स्ट जेकि फर्स्ट टेक्स्ट भी आम कही पारिया एंड जोटी की यूनिवर्स ओरिजिन विषय भी कह एंड इट इज बुक कनसीस्टिंग ऑफ 10 मंडल दसटा मंडल अच्छी एंड ये जो दसटा मंडल माने दसटा फैमिली बुक्स दसटा डिफरेंट डिफरेंट फैमिली रो कम्युनिटी मेंबर्स माने मिसिक ये सब करते तो फैमिली बुक्स आम कहीपर एंड आइले बहुत गुड़ा हाइम्स एक प्रेयर्स एक जोटा कि यज्ञ बा सैक्रिफाइस जाक जो कराला तो ताहिरे एक्चुअली ये सब हाइम्स एंड प्रेयर्स जाक गा हुए मेनली नेचुरल फोर्सेस को कमी पूजा कराए ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ଭେଦିକ ଚାଣ୍ଟିଂ ଯାକ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ୟୁନେସ୍କୋ ଇଣ୍ଟେଞ୍ଜିବଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ରଖାଯାଇଛି ଇଣ୍ଟେଞ୍ଜିବଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ସୋ ୟୁନେସ୍କୋର ଇଣ୍ଟେଞ୍ଜିବଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାହେଇଛି ଓକେ ଋଗ୍ବେଦର ଯେଉଁ ଚାଣ୍ଟିଂସ ଯାକ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଓକେ ସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସାଂସ୍କ୍ରିତରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଆଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆକୁ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଦ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସାମ ବେଦ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁମାରୀ ଟେଞ୍ଜିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଟେଞ୍ଜିବଲ୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଟେଞ୍ଜିବଲ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଖାଇପାରିବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଇନ୍ଟେଞ୍ଜିବଲ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବଟ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ତ ଭେଦିକ ହାଇମ୍ସ ଭେଦିକ ଚାଣ୍ଟିଂସ ପ୍ରେୟର୍ସ ଏଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ଇନ୍ଟେଞ୍ଜିବଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାହେଇଛି ଓକେ ସୋ ସାମବେଦ ସାମବେଦ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାମର ମିନିଂ ହେଉଛି ମେଲୋଡ଼ି ତ ମ୍ୟୁଜିକର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁକ୍ ଓକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାଗ ରାଗିନୀର ବୁକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଋଗ୍ବେଦରେ ଯାହା ବି ହାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ପ୍ରେୟର୍ସ ଯାକ ହେବ ତ ତାକୁ କେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି କେଉଁ ରାଗରେ ଗାଇବାର ଅଛି କେଉଁ ରାଗିନୀରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି କେଉଁ ସୁର ତାଳ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି ତ ମେନଲି ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାମବେଦ ଇଜ୍ ଆଲ୍ସୋ ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଆମେ ବହି ବି କନସିଡ଼ର କରିପାରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନି ରାଗ ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଧ୍ରୁପଦ ରାଗ ଯାହାକି ରାଜା ତାନସେନ ଧ୍ରୁପଦ ଧ୍ରୁପଦ ରାଗ ବି ଆଇରେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ସାମବେଦରେ ତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାମବେଦ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଦ ଇଜ୍ ୟଜୁର୍ବେଦ ୟଜୁର୍ବେଦ ଆଣ୍ଡ ୟଜୁର୍ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଚୁଆଲ୍ସ ୟଜ୍ଞ କେମିତି ହେବ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ୟଜୁର୍ବେଦ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଓକେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ୟଜୁର୍ବେଦ ବି କହନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦ ସୋ କୃଷ୍ଣ ବ୍ଲାକ୍ ୟଜୁର୍ବେଦ ଆଣ୍ଡ ଶୁକ୍ଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୟଜୁର୍ବେଦ ବି ଏମିତି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାହେଇଛି ୟଜୁର୍ବେଦର ଓକେ ତ ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରସ୍ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଓକେ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତା'ର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଓକେ ତା'ର ପ୍ରୋଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି
सो कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र प्लस तार एक्सप्लेनेशन शुक्ल यजुर्वेद में खाली मंत्र जाक देखा मिल सो यजुर्वेद वेरी इंपोर्टेंट देन कम्स टू अथर्ववेद अथर्ववेद एंड दिस इज आगे आपको तो वेद कनसीडर भी करा जाऊनला बिकज आपको कहते कि आर्यन्स मानक जी आसती सी मैंने आपको कंपाइल करते एंड बुक रे एक्चुअली कौन दिया है इट्स अबाउट मैजिक चार्म ओके द साइंस ऑफ एग्रीकल्चर केमती कर इंडस्ट्री सेटअप केमती कर तुम्हारे जदि किसी दुख अच्छी से दुखर निवारण केमती हे तो ये सब जिन प्राय देखापी अथर्ववेद में सब जिनस साइंस कैटल रेयरिंग केमती कर सब जिन विषय अथर्ववेद में मेंशन कर कौन कहले हेल्थ विषय रे चिकित्सा चिकित्सा कौन कौन सीधा आयुर्वेद सीधा बोले आयुर्वेद अलग जिन अथर्ववेद अलग ओके हाँ सो आयुर्वेद अथर्ववेद रही उपवेद नहीं तो ये वी कैन से कि डिजीजेस को केमती क्योर करवा कौन कहले सर युद्ध विद्या विषय रे को वेद रे लिखा थिला सर युद्ध विद्या धनुर्वेद धनुर्वेद जो जिनस युद्ध रो जो बाण कि आउ किछि केमती कोन तैयारी हुए से गुडा सब धनुर्वेद प्रवाह कहले पर धनुर्वेद धनुर्वेद अथर्ववेद रही अच्छी धनुर्वेद शिल्पशास्त्र ओके ठीक अच्छे सो वेरी गुड सो ये सब चारिटा वेद जो डेवलप होता है इन दिस वैदिक पीरियड ओके देन ये वेद जाक वेदस पर ब्राह्मण जाक आसला ब्राह्मणस माने कौन एक्चुअली जो मंत्र जाक अच्छे जहाँ भी मंत्र तार एक्चुअली प्रोज एक्सप्लेनेशन आपन को ब्राह्मण में देखा मिले कि आफ्टर द वेदस वेदस को बुझाप तार एक्सप्लेनेशन को एट द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड जमी सरु सरु टिके टिके आसूला तो ब्राह्मण गेट स्टार्टेड ब्राह्मण डिफरेंट डिफरेंट ब्राह्मण मैंने आसपा स्टार्ट ओके एंड जो ब्राह्मण मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेदर डिफरेंट डिफरेंट ब्राह्मण जाक अच्छे एग्जाम्पल आम लिखिपर जमती कि ऋग्वेदर बहुत गुड़ाए ब्राह्मण जाक अच्छे ओके उपवेद तो थिला उपवेद ऋग्वेदर उपवेद एक्चुअली आयुर्वेद ओके एंड ऋग्वेदर ब्राह्मण जाक देखिए ब्राह्मण सो ऐत्रीय ब्राह्मण वेरी फेमस ऐत्रीय ब्राह्मण सांख्यन ब्राह्मण आपन को देखा मिले एंड कौशिताकी ये तीन टाइम इंपोर्टेंट ब्राह्मण ऋग्वेद आमको देखा मिल जाऊ एंड आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेद ओके सो ये जो ब्राह्मण जाक देखा मिल जाऊ सेम सिमिलरली जमी ऋग्वेद ब्राह्मण अच्छे जमी सामवेदर भी ब्राह्मण जाक अच्छे यजुर्वेदर ब्राह्मण अच्छे अथर्ववेदर भी ब्राह्मण जाक अच्छे ओके तो ये सब एक्चुअली डेवलप
है से टाइम पीरियड रे जस्ट देखा मिल दे ब्राह्मणस पर अरय अंक जैक भी डेवलप हे अरय अंक अरयंक लिटरेचर जुड़ा अच्छी आपको फॉरेस्ट्री बुक भी कह जाए मेनली जो सेजेस जो सेज माने बा जो प्रेस्ट माने बा जो संत माने जो जंगल रे रहुथिबे एंड से माने जंगल रे रहिला परे मेनली से माने मेडिटेशन रे अधिक ध्यान देबे एंड दे स्टार्टेड चैलेंजिंग रिचुअल अरण्यक हबो सर आपण जो कहछन अरण्यक सेटा से माने अरण्यक हबो अरण्यक वेद को चारटा विभक्त करैतला ब्राह्मण अरण्यक संहिता उपनिषद या अरण्यक ओके एंटर मिसिंग अच्छी अरण्य क्या ओके सो अरण्य क्या फॉरेस्ट्री बुक मेनली फॉरेस्ट जो संत माने थे से माने मेडिटेशन को अधिक तांके फोकस कले एंड रिचुअल्स को चैलेंज कर दे स्टार्टेड चैलेंजिंग रिचुअल्स एंड से माने जो लिटरेचर लिखिंट से मानक अरण्यक भी कह जाऊ ओके तो ये सब जिन भी स्टार्ट होगा अरण्यक एंड बहुत गुड़ाए अरण्यक प्रति वेदर डिफरेंट डिफरेंट अरण्यक भी अच्छे फॉर एग्जांपल गोटे अरण्यक अच्छी यजुर्वेदर सब वेदर अच्छी बाकी मु किछि किछि खाली एग्जांपल दूची एंड क्वेश्चन प्राय आसुनि ओके सो ये सब फैक्चुअल जिनस घुसवाटा टे फ्रुटफुल लगुनि मत बट सोर्स आपको जो नोट्स मिले से नोट्स आपको मिल जाव सबूक सो यजुर्वेदर गोटे आम लिखिपर तैत्रीय ब्राह्मण भी रे जीव एंड तैत्रीय अरण्यक भी आमको देखा मिल जाऊ तैत्रीय उपनिषद भी आमको देखा मिल जाव सो ये सब जिनस डेवलप हे उपनिषद भी डेवलप हो लेटर ऑन उपनिषद माने टू कम एंड सिट नियर बाय मी तो उपनिषद जे गुरु थे जे कि उपदेश देवे शिष्य को एंड शिष्य डायरेक्टली रिमेम्बर माने मन रखे खाली शुणी सो उपनिषद भी से टाइम डेवलप हे तापर धीरे धीरे वेदांत वेदांत इज द अल्टीमेट एंड ऑफ वेद माने एंड ऑफ वेद माने कौन कि वेदर जो सार अंश बा द एसेंस ऑफ वेद वेदर टोटली फिलोसॉफिकल डिस्कशन रो प्राय सार समरी आपको वेदांत देखा मिल जाऊ तो वेदांत जाक भी डेवलप होबार स्टार्ट हो जाता ओके सो ये सब लिटरेचर एक्चुअली आमको देखा मिल जाऊ तो ब्राह्मणस ब्राह्मण कहीं ब्राह्मण ब्राह्मण कौन आपको मेनली कि जहाँ भी सेक्रिफाइस कराव तार रूल्स तार रेगुलेशन तार परफॉर्मेंस करने जहाँ भी नीति सब ब्राह्मण रे आपको मेंशन करने मिल जाव आ गए इंपोर्टेंट ब्राह्मण अच्छी सतप्रथ ब्राह्मण यजुर्वेदर यहाँ भी इंपोर्टेंट ओके यजुर्वेदर गोटे ब्राह्मण अच्छी सतपथ ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण भी वेरी इंपोर्टेंट ओके उपनिषद रु इंपोर्टेंट उपनिषद गुट मन रखु उपनिषद र इम्पोर्टेंट टोटल 108 उपनिषद अच्छे ओके एंड सी 108 उपनिषद रु 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट उपनिषद बट सब जाक आम पढ़िया नहीं ओके गोटे उपनिषद अच्छे मांडुक्य उपनिषद हाँ एक क्वेश्चन भी आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि जो सत्यमेव जयते जो आम जो वर्ड नहीं जो दिस वर्ड वाज कॉपीड और टेकन फ्रॉम दिस मांडुक्य उपनिषद ओके
ତାହେଲେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଡାଇଲଗ୍ସ ଯାକ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଦେନ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଦ ବେଦାଙ୍ଗ, ବେଦାଙ୍ଗ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏଠି। ବେଦାଙ୍ଗ ବେଦର ପାର୍ଟ ଅର୍ ଦ ଲିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବେଦ, ଋଗ୍ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ସୋ ବେଦାଙ୍ଗ ଲିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବେଦ ମେନଲି, ଯେଉଁ ବେଦକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ୟୁ ନିଡ୍ ସମ୍ ସମ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟେକ୍ସଟ ଦରକାର, ଯାହାର ନଲେଜ ଥିବ ତ ଆମେ ବେଦକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବା ବୁଝିପାରିବା। ଓକେ, ସୋ ମେନଲି ଛଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଦାଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା, ଓକେ, ଦେନ୍ ନିରୁକ୍ତ। କୁହନ୍ତୁ ଛନ୍ଦ, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବେଦ ମାନେ, ଓକେ, ବେଦସ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ବେଦାଙ୍ଗ। ଓକେ, ସୋ କ'ଣ କ'ଣ ମେଲି ଛଅଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଅଛି ବେଦାଙ୍ଗ। ତ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ କି ହାଉ ଟୁ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼, ଓକେ, ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବିଷୟରେ ଅଛି। ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ଓକେ, ଦେନ୍ ନିରୁକ୍ତ, ନିରୁକ୍ତ ମିନ୍ସ ଦ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼, ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ଓରିଜିନ୍ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ସେଇଟା ମାନେ ଲାଟିନ୍ ଓରିଜିନ୍ କି ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଓରିଜିନ୍ ସେମିତି ସବୁ ଅଛି। ତ ସେସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ଓରିଜିନ୍ ଯାକ ବିଷୟରେ ନିରୁକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଛନ୍ଦ, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ତ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ୱାର୍ଡ଼ସ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେ ଛନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଦେନ୍ ବ୍ୟାକରଣ, ଗ୍ରାମର, ଦେନ୍ କଳ୍ପ, କଳ୍ପ କଳ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚୁଆଲ୍ସର ନଲେଜ, ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ତାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଓକେ, ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ୟୋର ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼। ତ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଏବେ ସରିଲା ଆମର। ସୋ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା କ'ଣ କି 600 BC ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍, ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ 600 BC ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ସେକ୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ। ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ସେକ୍ସ, ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ହିଁ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ପୋଷ୍ଟ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ମେନଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତିକି ରିଚୁଆଲ୍ସ ଯାକ, ଏତେ ସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ, ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ଏଭ୍ରି କଷ୍ଟମ୍ସ, ଏଭ୍ରି ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ନେଚର, ଏଭ୍ରି ରିଚୁଆଲ୍ସ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଓକେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ରିଚୁଆଲ୍ସ ବା ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସୁପ୍ରିମେସି, ସେମାନଙ୍କର ଡୋମିନେନ୍ସିକୁ ଅପୋଜ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା କି କେଟେଲ୍କୁ ମାରିବାର, ଓକେ, କେଟେଲ୍ ସେକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ କେଟେଲ୍ ସେକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯେଉଁ ଏତେ ହେଉଥିଲା, ତ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମେନଲି ଶୂଦ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ବୈଶ୍ୟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ଏନିମଲ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଏ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଶ୍ୟସ୍ କ୍ଲାସ୍, କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଲାସ୍,
ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ମାନେ ବି ଯିଏକି କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ କଲେ ସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ସକୁ, ତ ଏଇସବୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ କିଛି ତ ଫଲ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ। ଯଦି ସେଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ମିଳିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ଼୍ ବି ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମାନେ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ସେକ୍ଟରେ ପଢ଼ିବା, ମେନଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୈନିଜିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବିକଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାକ ତାହିଁରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୈନିଜିମ୍, ଦେନ୍ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ବି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ ବି ଗୋଟେ ତିନି ଚାରିଟା ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ସେକ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଜି ବିକାଶ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ସେକ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୈନିଜିମ୍, ଆଣ୍ଡ ସେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଓକେ ଆଜିବିକାଶ, ଆଜିବିକାଶ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବନ୍ତି ନିହତିବାଦକୁ, ନିହତିବାଦ ଡେଷ୍ଟିନି ଇଜ୍ ପ୍ରି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ, ଆଗରୁ ଡେଷ୍ଟିନି ଲେଖା ହେଇସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ବାହାରିଥିଲା କାହାର ସେଇଟା ପ୍ରଭାସ, ପ୍ରଭାସର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଥିବ, ତ ସେ ବି ଭାବୁଥିବ କି ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭାସ। ପ୍ରଭାସ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ନା ବି ପ୍ରଭାସ ନାଇଁ କି, ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରଭାସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଭାସ। ତ ପ୍ରଭାସ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ସେଡ଼ଲି ୟୁ ଆର୍ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ତ ପ୍ରଭାସ ସେ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଆଉ ତ ବୋଧେ କିଛି କରୁନଥିବ, ତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିକ୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ପିକ୍ଚର୍ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ସିଏ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜର ଡେଷ୍ଟିନିକୁ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। କ'ଣ ରାଧେଶ୍ୟାମ, ୟା ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ରାଧେଶ୍ୟାମ ପିକ୍ଚର ନାଁ ଥିଲା। ସୋ ଆଜିବିକାଶ ମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ଯେଉଁ ନିହତିବାଦ ଡେଷ୍ଟିନି ଇଜ୍ ପ୍ରି ଡିଟରମାଇନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଜିବିକାଶର ସେକ୍ଟ ଗୁଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ମକଲି ଗୋସାଲୁ, ମକଲି ଗୋସାଲୁ ଯିଏକି ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଆଜିବିକାଶ। ଆଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ସାର୍ ଆସିବେ ଅଶୋକଙ୍କର ବାପା, ମକଲି ଗୋସାଲୁ, ମକଲି ଗୋସାଲୁ ୱାଜ୍ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋପୋନେଣ୍ଟ ଅର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଆଜିବିକାଶ ସେକ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁ ସାର୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତ ବିନ୍ଦୁ ସାର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫଲୋୟର୍ ଅଫ୍ ଆଜିବିକାଶ। ସୋ ଅଶୋକ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଫଲୋଇଂ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଅଶୋକ ଗୋଟେ କେଭ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେ କେଭ୍କୁ ତାପରେ ଆଜିବିକାଶକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ। ଲେଟର୍ ଅନ୍ ବି ସେଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଡୋଣ୍ଟ ଭେରି। ସୋ ଏବେ ଏତେ ଯିବାନି, ପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ତ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୈନିଜିମ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ ସୋ ଗିଭ୍ ଦ ହେଡ଼ିଂ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଓକେ ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ୍ ନାଁ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅର୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ବୋର୍ନ ଇନ୍ 563 BC। ଓକେ ଲୁମ୍ବିନୀ ନେପାଳରେ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଲୁମ୍ବିନୀ ନେପାଳ। ଓକେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଉଛି ସାର୍ କହୁଛ, ସବୁ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛ। ସ୍ମିତା ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ। ସ୍ମିତା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି? ସ୍ମିତା ଓକେ। ସୋ ପ୍ରଭାସ, ୟୁ ସେ ପ୍ରଭାସ କ'ଣ କହୁଥିଲେ?
ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନ କଥା ସାର୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ ନା? ମହାଜନପଦ ଆଜ୍ଞା ସିଲାବସରେ ନାହିଁ? ଅଛି ସିଲାବସରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମହାଜନପଦ ପଢ଼ିବା ବଟ୍ ଏବେ ପଢ଼ିବା ନା? ପୁରାଣ କଥା ତ କହିଲେନି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପୁରାଣ ଯାକ ପୁରାଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ପୁରାଣ ଆସିବେ ଗୁପ୍ତା ପିରିୟଡ଼ ପୁରାଣ ସବୁ ଓକେ। ସୋ ଏବେ 2024 ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କି ଉପନିଷଦ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ପୁରାଣ ଯାକ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 2024 ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ, ତ ଉପନିଷଦ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ପୁରାଣ ପରେ ଆସିବ ଓକେ। ସୋ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଓକେ। ତ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଗୌତମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଆସେ, ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଓକେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲି ଓକେ। ସୋ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ କନଫର୍ମ ଇଟ୍ ଟୁ ୟୁ ଓକେ। ସୋ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କନଫର୍ମ କରିବି। ସୋ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଟିକେ ସାରିବା ଆଣ୍ଡ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ବି ଟିକେ ସାରିବା। ସୋ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କପିଳବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ନେପାଳ ବାଲା ଏରିଆରେ ଓକେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଫାଦର ଇଜ୍ ଶୁଦ୍ଧଧନ। ନେପାଳକୁ ଆଗରେ କପିଳବସ୍ତୁ ମାନେ ନେପାଳର ଏରିଆକୁ ଲୁମ୍ବିନୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ କପିଳବସ୍ତୁ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭେରି କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ସୋ ନେପାଳ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ହିଁ କପିଳବସ୍ତୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେ କପିଳବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ଲୁମ୍ବିନୀ ଥିଲା ସେଇଠି ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଓକେ। ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଶୁଦ୍ଧଧନ। କପିଳବସ୍ତୁର ଯିଏକି ରାଜା ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ମଦର ଥିଲେ ମହାମାୟା ଅର୍ ମାୟା ଦେବୀ ବି କହନ୍ତି ମହାମାୟା। ମହାମାୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଧଳା ହାତୀ ଅଛି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପେଟରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଉମ୍ରେ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାକ ଆସୁଥିଲା କି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆମର ଉମ୍ରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରୁଛି ବୋଲି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ତାଙ୍କର ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଳନ ସବୁ କରିଥିଲେ ଓକେ। ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବଡ଼ ହେଲେ ପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମେରିଡ଼ ଟୁ ୟଶୋଦାଧାରା ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ନାଁ ଥିଲା ରାହୁଲ। ତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା କି ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା କି ତାଙ୍କେ ଚେରିଏଟ୍ରେ ବସିକି ବାହାରେ ବାହାରିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ମାଆର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆଫ୍ଟର ଗିଭିଙ୍ଗ ବର୍ଥ ଟୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଷ୍ଟର ଟାଇପ୍ର ହେବେ ପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଦେନ୍ ହି ମ୍ୟାରିଡ୍ ଟୁ ୟଶୋଦାଧାରା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା କି ତାଙ୍କେ ଚେରିଏଟ୍ରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଚେରିଏଟ୍ର ରାଜସାହି ପରିବାରର ଚେରିଏଟ୍ରେ ବସିକି ତାଙ୍କେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ତାଙ୍କେ ଚାରିଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ମୁମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା।
कि तांके फास्ट गोटे देखिले ओल्ड मैन, ओल्ड मैन तापरे आउ गोटे मैन को देखिले सिक मैन। तो देखिले कि जी जन्म होउछे से धीरे धीरे सिक हो जाउछे, बीमार, बहुत बीमार, देन ओल्ड हो जाउछे से तापरे बूढ़ा हो जाउछे, एंड बढ़ला परे बूढ़ा हेला परे पुनी डेथ भी हो जाउछे। तो गोटे मृत्यु सब को भी देखिले कॉर्प्स। देन लास्ट रे गोटे सन्यासी को देखिले बा गोटे रिलीजियस पर्सनालिटी। तो तापरे ये सब दृश्य देखला परे तांकु लागिला कि जे जन्म होची से मरिब, ताकु खाली दुख हेब, पूरा संसार रे जे जन्म होई छी ताकु खाली दुखालय जगत, खाली दुख ही मिलिब। सो सी दुखर शांति दरकार, तो सन्यासी हेबाक पड़िब। सो ये टाइप ऑफ जिनस एक्चुअली मेनली रियलाइजेशन गोटे हे कि बहुत गुड़ाए सफरिंग जाक अच्छे वर्ल्ड में, एंड सफरिंग रू आमको मुक्ति पाइबार अच्छे। डैट्स वाई तापर 29 इयर्स जो होता एट द एज ऑफ 29 तांके गोटे गोटे घोड़ा थिला, तार ना थिला कंठक, कौन है ना, दिस इज नॉट नोबल ट्रुथ, दीज आर द साइट्स विच वर सीन बाय गौतम बुद्ध इन द चेरियट। चेरियट रे बसे की जाई थिले, तो सेतोले से कौन कौन देखी थिले ओके, ये जिनस विषय रे मु कहली ओके। से टीचिंग्स रे पढ़ीबा ओके, आफ्टर बुद्ध सरला परे बुद्ध बुद्धिज्म टीचिंग्स रे से सब नोबल ट्रुथ जाक पढ़ा। सो एट द एज ऑफ 29 इयर्स तांकर गोटे घोड़ा गोटे थिला कंटक, एंड सी घोड़ा को चलेबा वाला भी गोटे थिला चना, कंटक घोड़ा ना एंड चना जे कि घोड़ा चले। सो चना एंड कंटक को कहले कि चलो आउ ये राजशाही परिवार रे मु आउ रहिबिनि, मते आउ भल लागुनि एठी, तो मते एबे एटर्नल ट्रुथ को खोजिबार अछि, सेल्फ रियलाइज करिबार अछि। सो डैट्स वाई तांके डिपार्चर करिबेले, ग्रेट डिपार्चर, तांके घर छाड़ी पळेले, एंड सी ग्रेट डिपार्चर को आमे महाभिनिष्क्रमण भी कहूछ। महाभिनिष्क्रमण द ग्रेट डिपार्चर इन द सर्च ऑफ एटर्नल ट्रुथ गौतम बुद्ध ओके कंटक रे बसिक पड़े, एंड पड़ेला सात वर्ष 7 इयर्स ही वाज वेंडरिंग लाइक ए भिक्षु, याडू छाड़े छाड़ू याडे तांके वेंडरिंग करूथिले इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तापरे एक्चुअली बोध गया को पहुँचिले, एंड बोध गया वाज एक्चुअली से टाइम रे बोध गया कहा जाऊला ओके, से बोध गया को उरुवेला कहा जाऊला, उरुवेला तो मेनली फाल्गु नदी रो साइड रे थिला बोध गया। एंड महाविनिस कर्म कोन असे दैट इवेंट ऑफ डिपार्चर ऑफ बुद्ध फ्रॉम हिज रॉयल हाउस ओके इन ए हॉर्स नेम्ड कंठक, दिस इवेंट को हमें महाविनिष्क्रमण कहूँ ओके। सर बुद्ध का पूर्व नाम कौन सा? उरुवेला, उरुवेला। सो फाल्गु नदी रो तट रे एक्चुअली अच्छे, एंड सात वर्ष तांके बुलिले यार छाड़े बुलले, बुलिला परे तापरे एक्चुअली तांकु किछि गुरु मिलले ओके, कुछ गुरु मिलले जिनती कि अलार कलम ओके, रामपुट्ट, डिफरेंट डिफरेंट गुरु जाक को भेट कले, तांके भेट कले, बट ही वाज नॉट सैटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ दिस गुरु। ए माने गुरु कहले कि नहीं तुमको एक्सट्रीम तपस्या करिवो पड़िवो, तुमको सीवियर ऑस्टेरिटीज पालन करिवो पड़िवो, ये सब बहुत मैंने तुमको निजको पनिशमेंट देवाक पड़ब, तो जमीक लगे कि मानने मरीगला लगे आपन को ये सब जिनस जो धारा जाक कह धारा को बुद्ध सैटिस्फाई लगे ना एमती निजर देह को ये कष्ट एमती किसी करार ना। तो लास्ट देखिले कि ना मत एटर्नल ट्रुथ हिरण जमी तार डीयर एक्चुअली पेटे ही कौन गोटे थाए सुगंध गोटे कस्तूरी, एंड सी कस्तूरी को निज भितर थाए बट से चारिड़े खोजे जमी, तो सेमती बुद्ध भावे कि एक्चुअली मो भितर ही एक्चुअली सी रियल ट्रुथ अच्छे मुझे इड़े बुलिले हेबना। तो गोटे पीपल रो गच्छ तले
ତାକୁ ବି ବୋଧି ଟ୍ରି ବି କୁହାଯାଏ। ସେ ବୋଧି ଟ୍ରି କିମ୍ବା ପିପଲର ଗଛ ତଳେ ତାଙ୍କେ ବସିଲେ, ବସିକି ଧ୍ୟାନରେ ଗଲେ, ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇଲେ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କଲେ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 35 ଇୟର୍, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷ ହେବ, ସୋ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ନିର୍ବାଣ, ନିର୍ବାଣ ବା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ। ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। ଓକେ, ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଦେନ୍ ନିର୍ବାଣ ଆଜି ତ ମିଳିଯାଇଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଦେଖିବା କି ନିର୍ବାଣ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଓକେ, ସୋ କିଛି କାହାର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ମି, ଆଜି ବି ପଚାରି ପାରିବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ପଚାରିବେ। ସେ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆରାମସେ ବସିକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାପରେ ବୁଝା ନ ପଡ଼ିଲେ ପଚାରିବେ ଡାଉଟ୍ ଯାକ। ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡିଂସ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ମିଳିବ ଆଉ। ଓକେ, କେଉଁଟା କେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ତାକୁ ଦେଖି ଚାଲିବେ। ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ସବୁ ଯାକ ଅପଲୋଡ଼ ବି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସାର୍କୁ କହିଦେବି। ଆଜିର ବି କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। କ'ଣ କହିଲେ? ଲାଷ୍ଟରେ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ।